नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी एक बार फिर से उस मुद्दे की जिसका चुनावी शोर इस वक्त चारों तरफ सुनाई दे रहा। कल तक मसला सीधे और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश तक सीमित था, लेकिन अब पंजाब में भी छापेमारी ने जोर पकड़ लिया है। छापेमारी को लेकर जिस तरह की सियासत उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसने सूबे के भीतर तमाम सवाल तो खड़े किए ही, संसद के भीतर जया बच्चन को भी नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तो श्राप तक दे दिया सरकार को, जया बच्चन। और अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हर कार्रवाई के लिए तैयार है, अभी तो सीबीआई की एंट्री भी बाकी। समाजवादी पार्टी के नेता पोस्टर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कार्रवाई सीधे और सीधे तौर पर निशाना बनाने की कोशिश है। वैसे इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि जब जब चुनाव आया, इस तरह की छापेमारी सवाल बनी। वो सवाल इसलिए बनी क्योंकि जब चुनाव आया तभी छापेमारी की कार्रवाई तेज हुई। तमिलनाडु से लेकर हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, यहां तक कि दिल्ली, सियासत के पन्नों को पलटे तो पता चल जाता है कि इस छापेमारी को लेकर इतिहास में कई किस्से हैं, कई वाक्य। और अब विपक्ष आक्रामक होकर सीधे तौर पर सरकार पर सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसकी मंशा पर संदेह इसलिए है क्योंकि मसला टाइमिंग का है। टाइमिंग, चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कार्रवाई, चुनाव नजदीक है, ऐसे में पंजाब में कार्रवाई, चुनाव नजदीक है तो क्या इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग वाकई में हो रहा है? यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया, ऐसे कई किस्से थे जो मैंने आपको बताए, तमिलनाडु में स्टेलिन की बात मसला हो, आज और किस्सों को भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई अक्सर तेज हो जाती है। तो क्या इसका राजनीतिक लाभ मिलता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आइए जरा पहले आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं और उनके करीबियों के घर पर छापेमारी अखिलेश यादव को भी बहाना दे रही है बीजेपी को निशाने पर लेने का। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में है, उनकी सरकार कैसे हटाएं उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बन जाए इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। तो ये सीधे तौर पर अखिलेश यादव के वार थे और सियासत के नजरिए से आप समझने की कोशिश करेंगे कि एकाएक ऐसा नहीं हो जाता है, छापेमारी का मतलब क्या है और क्या वाकई में
अखिलेश यादव जो डर जता रहे हैं कि अभी सीबीआई की एंट्री भी होनी बाकी है, जो कि सपा के नेता कह रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, और ये वही सरकारी एजेंसियां हैं जो आज सत्ता में रहते हुए दुरुपयोग का जिक्र विपक्ष कर रहा है। कभी बीजेपी विपक्ष में होती थी तब इसी तरह के इल्जाम सत्ताधारी पक्ष पर लगाया जाता। ऐसा ही एक इल्जाम मुलायम सिंह यादव भी लगाते, ऐसा ही एक इल्जाम सीधे तौर पर तब भी लगाए जाते थे जब चुनाव से पहले छापेमारी हरियाणा के भीतर होती थी। आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा, आपको याद होगा, बोलना होगा तो ये माइक करना, हुड्डा साहब पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, आपको याद होगा लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाने साधना 2017 के वक्त, तब कहा गया कि वो जेल जाए। आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार का तेजस्वी से अलग होना, आपको याद होगा केजरीवाल का शीला दीक्षित पर आरोप लगाना, और आपको याद होगा जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति के मामले, और आपको याद होगा सीबीआई का बार बार स्टैंड बदलना मुलायम सिंह यादव को मसले को लेकर इसी आय के संपत्ति में। ऐसे कई वाक्य, कई किस्से, कई अध्याय राजनीतिक किताबों में आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे जहां सीधे तौर पर संकेत और संदेश मिलते हैं कि चुनावी मंशा से ये छापेमारियां हो रही। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है या फिर विपक्ष जरा सहमा हुआ? अरे मंगवा दिया, ठीक है 3 गेट मंगवा दिया। और अब इस पूरे मसले को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और सियासी बहस पंजाब तक जा चुकी है क्योंकि वहां भी छापेमारी का दौर तेज हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये छापेमारी मजबूरी है या फिर जरूरी? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और आज इस चर्चा में शामिल होंगे मेरे साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आपको इनसे रूबरू करवा देता हूं। आज चर्चा में मेरे साथ एनपी सिंह साहब है जो कि बीजेपी के नेता है। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं। साथ ही एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तमाम न्यूज चैनल पर आप इन्हें देखते और सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, कानूनी कार्रवाई जरूरी है या फिर मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है, कानूनी कार्रवाई तो पहले से चलती आ रही है, कोई नया काम नहीं हो रहा है। हर एक सरकार में, हर एक टाइम में पिछले 50 सालों से कार्रवाई होती आ रही है, गलत लोगों पे छापेमारी होती आ रही है। जो तो रूटीन वर्क है सरकार का, सरकार पहले से करती है, चला आ रहा है, ये रूटीन वर्क है, नया काम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल रूटीन वर्क है, पहले से ही ये काम होता आया है। जो गलत लोग हैं चुनाव के वक्त ज्यादा तेज हो जाता है, आज भी हुई है और आगे भी होती रहेंगी। ये छापेमारी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रूटीन वर्क है और ये चलता रहेगा। तो अब सीबीआई और ईडी की भी एंट्री होने वाली है? मतलब देखिए, ईडी अपना काम करती है, करती रहेगी, सीबीआई अपना काम करती है, करती रहेगी। क्या सीबीआई कोई नया काम कर रही है, ईडी कोई नया काम कर रही है? क्या पिछले 20-30 सालों में सीबीआई ने अपना काम नहीं किया या ईडी ने अपना काम नहीं किया? वो सरकार का हिस्सा है, वो पहले से अपनी उनकी अपनी एक बॉडी है इंडिपेंडेंट, वो अपना काम करती है। सबसे उनको जहां उनको जरूरत होगी वहां काम करेंगे। तो राघवेंद्र दुबे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने तोते पिंजरे से छोड़ दिए? उससे राघवेंद्र दुबे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने तोते पिंजरे से छोड़ दिए? नहीं नहीं, तोते पिंजरे नहीं है, ये सब अपनी अपनी बॉडी अपना अपना काम कर रही है और सब इंडिपेंडेंट बॉडी है जो काम कर रही है। पहले तोते थे? देखिए, मैं तोते सब मैंने नहीं कहा ना, मैं पहले तोते कह रहा हूँ, आज तोते कह रहा हूँ। ये तब तो आप खुश, ये बहुत कहा गया था, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, पहले से अपना काम करती है, आज भी कर रही है, आगे भी करती रहेंगी। उनके ऊपर उंगली उठाना मेरा, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। राघवेंद्र दुबे आप घबरा क्यों रहे? नहीं नहीं सर, मैं तो देखा ना, मैं तो जानता हूँ, आप बता रहे बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। ये तो होता आया है और ये होता रहेगा। जिसकी सरकार आएगी, सरकारें आती हैं जाती हैं,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो पहले से चलता हुआ है, ये प्रथा है, चुनाव आता है इस तरह की एजेंसियां जो है वो ज्यादा सक्रिय हो जाती है। आप बिल्कुल सही है, चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी काम करती आई है, चुनाव से पहले भी उन्होंने काम किया है। कहाँ कहाँ छापे मारे विधानसभा पंचायत चुनाव कहाँ कहाँ किसके घर में छापे मारे, वही तो बता दो सर, मैं तो कल भी पूछ रहा था, नाम बता दीजिए। देखिए आप पहले भी देखे होंगे, चाहे वो पोंटी चड्ढा रहे हो, चाहे वो यादव सिंह रहे हो, चाहे वो दूसरे, मैं नाम लेकर बताता हूँ, जो लोग भी रहे जी, मैं नाम लेकर बताता हूँ ना आपको, आप बताइए फिर उसके बाद छापेमारी में क्या हुआ। मैं आपसे तभी कह रहा हूँ राघवेंद्र दुबे डर क्यों रहे हैं आप, क्यों घबरा रहे हैं इतना डर? घबराने घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदता के वजह से और अगर लगता है कि इनको कि ये उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल रहा है तो ये इस हरकत पे उतर आएंगे, और ये आज की बात नहीं है, पहले से ये बात सही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी सीबीआई पे की थी कि ये तो पिंजरे का तोता है, तो इसीलिए तो कहा था कि आप ईडी को लाएं, साथ में इनके साथ इनका गठबंधन अब हो गया, ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा और सीबीआई आएगी, जहां लगे के निकला क्या, आपने छापेमारी की उसमें निकला का 17,500 रुपए, इसीलिए आपने छापेमारी की थी। तो ये सब लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से सब किया जा रहा है, और ये है भी क्योंकि अब बीजेपी के नेता के पास किसी के पास छापा पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, क्यों नहीं पड़ा, क्या लगता है कि सपा वाले ही सब जो भी कर रहे हैं घोटाले कर रहे हैं, सपा वाले कर रहे हैं, ऐसे ज्यादा इनकम उन्हीं की है, तो ये सब टाइमिंग जो इनकी है, इनको देख रहे हैं कि अखिलेश जी की सभा में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से भीड़ से डर गए हाथ से सरकार जन है, भीड़ से बिल्कुल भीड़ से डर गए ना। ओके राघवेंद्र दुबे एक सेकंड, भीड़ से डर गए क्या अखिलेश यादव? देखिए भीड़ से कभी नहीं डरे ना डरेंगे, और भीड़ की बात जहां तक कर रहे हैं तो हमारी पार्टी के नेता जहां भी मीटिंग कर रहे हैं वहां आज भी समाजवादी से ज्यादा भीड़ है, भीड़ का कंपेयर बिल्कुल ना करें, जो रूटीन वर्क है वो काम करते चले रहे हैं, मोदी जी की जहां पर मीटिंग होती है, योगी जी की जहां पर मीटिंग होती है, दूसरे नड्डा जी की जहां पर मीटिंग होती है, कि भीड़ की कमी थोड़ी होती है, भीड़ तो हर जगह है। समाज की पार्टी हुई थी क्या हुआ, निशा समाज की पार्टी हुई, लोग यहां तक गए, वहां नारेबाजी करने लगे और वहां पर मंच तक पर चढ़ गए, इनको तो पता है क्या हुआ। निशांत जी की हो किसी की भी हो, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड कर रहा हूँ, दो सिंह साहब एक सेकंड, यानी आप मानते हैं ना कि जया बच्चन का गुस्सा जाहिर है? सिंह साहब जया बच्चन का गुस्सा जाहिर तो वो उनके लिए लगता होगा, अगर किसी के लिए गलत बोलेंगे, किसी को शराब की बात करेंगे, तो जया बच्चन इतनी बड़े नेता या इतने बड़े ब्राह्मण नहीं है कि वो शराब देंगे किसी को, शराब तो पंडित जी हमारे पहले से देते चले आए हैं, उनके शराब से कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई शराब से डरने वाला है, वो डरेगा जो गलत काम करेगा, जो गलत काम ही नहीं करेगा उसे किसी शराब से डरना क्यों है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, आज भी कर रही है, कल भी करेगी। ओके, मैं चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जाऊं, सिंह साहब, नहीं नहीं सिंह साहब बिल्कुल सही कहा, इसी सदन के भीतर हमने एक राज्य के मुख्यमंत्री को आंसू बहाते हुए देखा था और इसी एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए सुना था, याद है? भूल गया, याद है सिंह साहब? नहीं समझे ना सर, किनका बताए दोबारा बता दीजिए। वही है सर जो सदन के भीतर आंसू बहा रहे थे और आरोप लगा रहे थे इन एजेंसियों के दुरुपयोग का, और आज राज्य के मुख्यमंत्री है ना सर? राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया, ईमानदारी के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं तो दुरुपयोग का जिक्र कर रहा था, आप कह रहे थे ना। ओके चंद्रमोहन शर्मा जी, काम किया जा रहा है चंद्रमोहन शर्मा जी, पंजाब में भी छापेमारी तेज हो गई है और आपके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है मुझे साफ साफ। शर्मा जी वो कह रहे कि ये शराब नहीं लगता हमें, आप लोग डर रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, सिंह साहब यही कह रहे हैं, बोलिए शर्मा जी। फिर मैं एक मिनट में आपको बताता हूं, सिंह साहब का कहना बिल्कुल ठीक है, सिंह साहब तो साफ कह रहे हैं कि हुआ ही क्या, नया क्या हुआ है, वो तो खुद ही कह रहे हैं नया कुछ किया ही नहीं उन्होंने, और नया कुछ किया नहीं क्योंकि वो पिछली सभी चीजों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जब असफलता उनके कदम चूम लेती है तो उनको नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी याद आ जाते हैं, तो उनकी तो बड़ी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। अब कॉलोनोलॉजी समझिए आप, जब कभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगा तो कमलनाथ जी के ऊपर ईडी आईडी आ जाएगी, बंगाल में इलेक्शन होगा तो ममता बनर्जी पे आ जाएगी, महाराष्ट्र में आएगा तो शरद पवार पे आ जाएगा,
दिल्ली में होगा तो केजरीवाल पे आ जाएगा, अब यूपी में है तो स्वाभाविक है विपक्षी दलों पे आएगा। तो नया थोड़ा कुछ हो रहा है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने देश के अंदर कुछ किया ही कुछ नहीं। अब विषय आता है कि तोता पक्षी तो अच्छा है, लेकिन अब तोता पक्षी अच्छा है लेकिन जो इसको कहते थे और जो सदन में जो आपने बात कही, जो सदन के अंदर हमारे बाबा ने जिन विषयों के ऊपर आंसू बहाए थे, अब उसको बाबा क्या कहेंगे या उसके बाबा के जो संरक्षण है वो क्या कहेंगे। लेकिन ठीक है, आज सत्ता के गलियारे और सत्ता की ताकत जिसके हाथ में है उसके हाथ में पिंजरा, उसके हाथ में ही तोता, उसके हाथ में पिंजरा, उसके हाथ में तोता। एके मिश्रा जी नोट कर लेना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जिसके हाथ में सत्ता उसके हाथ में पिंजरा और उसके हाथ में तोता। तो शर्मा जी आप धूप के धुले हुए थे क्या? देखिए मैंने तो तिलक भाई अपनी बात के अंदर पहले संज्ञान में जोड़ा है, एक्सेप्टेशंस तो एनपी सिंह जी ने बोला ही कि नया क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी बात के अंदर अपनी बात को मोर बंद कर दिया इस बात को। मैंने इस बात के लिए उनकी बात को क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने देश में नया कुछ किया ही कहा है, इन्होंने 70 साल की विरासतें बेच दी और 7.5 में कुछ दिया नहीं किया। मुख्यमंत्री आगे विरासत की बात करते हैं, विरासत की ठीकरा रोते हैं। आपके गुण अपना लिए शर्मा जी, सीधा बताइए ना, आपने गुण अपना लिए? हमारे गुण तो जिंदगी में ले नहीं सकते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है तो नेहरू जी सपने में आके जरूर मोदी जी को योगी जी को बोल देते हैं, और गलत होता है तो फिर इनको लगता है कि वो नेहरू जी ने कर दिया। लेकिन अब जो जो बिल वापस हुए वो नेहरू जी ने आके दिलवाए इनको सपने में। अच्छा एके मिश्रा जी सुना आपने, जरा मुझे अपने राजनीतिक ज्ञान से समझाइए, जो मेरा पहला सवाल था मैं वहीं पर ही आता हूँ, ये चुनाव के वक्त जो है ये कार्रवाई जरूरी है या फिर मजबूरी है, और क्या सियासी फायदा होता है कि मिश्रा जी आपको लगता है कि इस तरह की छापेमारी से कोई सियासी फायदा होता है? एके मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये बोल रहा था चावला जी, आपका सवाल बड़ा जेन्यून है और फायदा होता है, और ये बात भी सही है जो चंद्रमोहन शर्मा जी ने मेरे मित्र ने बोला, जिसकी सरकार है उसका पिजड़ा है उसका तोता है, ये अपने आप में ये बताता है कि सरकारें सारी एजेंसीज का प्रयोग या दुरुपयोग करती हैं। मैं ये बोलता हूँ कि अगर इतनी ही एक्टिव ये CBI ED वगैरह हो तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन जो है बड़े आराम से निकल आए, बहुत सारे जो है दुर्घटनाएं वगैरह ना हो, बसरते वो 5 साल निष्पक्ष भाव से करती रहे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेबाकी से मैं बोलना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोगों जिनकी सरकार है, यादव सिंह की जब सरकार थी तो उस सरकार ने कभी उनके ऊपर छापे नहीं डाले, या और भी आप वो ले लीजिए, ये नजर रखना चाहिए कि कौन अनएक्सपेक्टेड वे से ग्रो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये काम है इन एजेंसीज का काम है कि निगाह रखना। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वक्त कोई भी हो, चाहे चुनाव के पहले हो चाहे रूटीन में हो, चुनाव के पहले थोड़ा सा मजबूरी इसलिए बन जाता है कि अभी देखिए चुनाव के डेट डिक्लेयर होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे सैनिटाइजेशन करने पड़ते हैं, पुलिस भी एक्टिवेट होगी, लोगों को ढूंढेगी, जो आशंकित लोग हैं ऐसे लिस्ट में उनको पकड़ करके बंद किया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या पैसों का भी दुरुपयोग रोका जाएगा। तो ये तो चुनाव के पहले जो है बहुत जरूरी हो जाती है कुछ काम जो है, जो कि ऐसे नियम या कानून होते हैं कि ये सब चीजें चाक चौबंद कर लिया जाए। तो मैं ये बोलता हूँ ये अच्छी चीज है। और एक चीज मैं और बोलता हूँ, पक्ष विपक्ष का अपना आरोप हो सकता है, लेकिन पब्लिक के तरफ से मैं ये बोलूंगा, ठीक है 5 साल आपकी सरकार रही है, तो जब आपके विपक्षियों की सरकार थी जो गलत काम किए थे, जनता का पैसा लूटा था, आप उनको सफाई कर दो, जब आप विपक्ष में रहोगे तो विपक्ष की सरकार आएगी वो आपकी सफाई कर देंगे, यानी फायदा जो है, लेकिन सफाई आप ईमानदारी से करिए, आपकी वो विपक्षी पार्टी है ईमानदारी से सफाई करिए, जो पैसे वसूल हो वो जनता के कामों में लगाइए, तो एक दूसरे की सफाई करते रहिए, तो इससे फायदा पब्लिक का होना है। और ये मजबूरी है, यानी आप ये मानते हैं राजनीतिक मजबूरी है? नहीं बिल्कुल, ये देखिए ये राजनीतिक मजबूरी इसलिए है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो ब्लैक मनी होती है, कैश होता है या गुंडों का प्रयोग होता है, वो चाहे मैं किसी पार्टी का नाम हो क्या लेना, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जिसके पास जितनी हिम्मत रहती है कहीं ना कहीं वो प्रयोग तो करते हैं, दूध के धुले हुए तो कोई नहीं है, आप पीछे के इतिहास देख लीजिए। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, सभी लोग शुचिता की बात करते हैं, अगर शुचिता की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग जया बच्चन की अगर मैं बात कर लूं, भाई आपने सब कुछ सही किया हुआ है, आप अपने आप को मीडिया पे सदन में चीख चीख के ऐसे बोल रहे हो कि आपसे बड़ा जो है स्वच्छ आदमी या कोई है ही नहीं, आप श्राप दे रहे हो, पता नहीं कौन सा फन्ने खां समझ रहे हो, कौन सा ऋषि मुनि समझ, इतनी तपस्या जया बच्चन जी आपने नहीं की है कि आपके श्राप का कोई असर होगा,
अगर आप स्वच्छ हो तो आप क्यों डर रहे हो? आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, वो आप दे दीजिए। राजवेंद्र दुबे, एके मिश्रा कह रहे हैं कि आपने ऐसी तपस्या नहीं की है कि आपके श्राप का असर दिखाई देगा और सरकार गिर जाएगी। एक बात तो आपने देखी, एके मिश्रा जी भी उसी रंग में रंगे हुए हैं जिसमें बाबा जी रंगे हुए हैं, क्योंकि इनके बातों से लग रहा देखो इन्होंने टिप्पणी केवल जय बच्चन पे तो की, लेकिन ये नहीं कहा जो छापे पड़े वो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये जया बच्चन आपकी, जया बच्चन आपकी पार्टी की है, इसी आप व्यक्तिगत ले रहे हैं। नहीं, मैं जया बच्चन का असर पड़ेगा नहीं, आप एज ए एक्टर, आप ज्योति हैं क्या? आप ज्योति हैं क्या? आप बताएंगे उसका असर उन्होंने अपने, अरे हम हैं भाई, जिससे कहा वो उनको खानदानी हमारा विरासत है, पेशा है एस्ट्रोलॉजी का, वो उनको अधिकार है, वो उनको अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है, श्राप देने का अधिकार है, हमें पता है श्राप, श्राप देने का किसको अधिकार है हमें पता है, आपको अधिकार नहीं है, अधिकार है, यही तो दिक्कत है, बच्चन को क्या अधिकार है श्राप देने का? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जया बच्चन को अधिकार किसने दिया कि सदन में श्राप दिया? रहीमदार जया बच्चन गरीब है, जया बच्चन गरीब है, जब अखिलेश यादव और जया बच्चन अगर गरीब होने लगेंगे तब तो भाई प्रभु आप धन्य है, मैं आपके आपके चरण जो है आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अब आप जया बच्चन गरीब है, नहीं उदाहरण वही दीजिए जो उदाहरण फिट हो, उदाहरण वही दीजिए जो उदाहरण फिट हो। जया बच्चन गरीब नहीं है, यानी यानी राजनीति में आप इसे जायज मानते हैं? ये जायज है, मैं जायज, देखिए गलत काम को मैं जायज नहीं मानता हूँ। नहीं नहीं, चुनाव देखिए छापेमारी, मैंने बोला 365 डेज चलनी चाहिए, इतने सारे कांड होते हैं, गलत चीजें होती हैं, गलत ट्रांजैक्शंस होते हैं चुनाव के पहले, ये राजनीतिक जरूरत होती है। नहीं, आप बताइए मिश्रा जी, क्या जो छापे पड़े उत्तर प्रदेश में इस टाइम पे, क्या वो सही थे? आपको लगता है क्या सही थे? बिल्कुल सही थे, हाँ बिल्कुल सही थे, उसके पीछे कारण मैं बता देता हूँ। इसीलिए कह रहे हैं आप उसी रंग में, मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अरे भाई आप लॉजिक सुन लीजिए, लेकिन आप लॉजिक सुन लीजिए, आप लॉजिक सुन लीजिए, आपने भी छापे मारे थे, पता है, आपने भी छापे मारे थे, आप व्याख्या अपने चश्मे से नहीं कर पाए, आप अपनी व्याख्या केवल अपने चश्मे से करेंगे, जब आप करिए ना समाजवादी पार्टी के चश्मे से, आप उसके मेंबर है, आप नेता है, आप इसीलिए बैठे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के चश्मे से आप करिए, आपकी मजबूरी है, मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है, आप करिए समाजवादी पार्टी का चश्मा लगा के आप बैठे हैं घोषित, हमने तो उसको बुरा नहीं बोला ना भाई, नहीं नहीं, आपने आपने बोला, आपने बोला, हमने आपको बोला कि आपने कौन से चश्मे, आपने सारी चीजों को करते हुए, मैं नहीं, आपने सुना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग सुनते ही नहीं है, मैंने बोला कि भाई जनता के हिसाब से देखा जाए, पक्ष विपक्ष को छोड़ दिया जाए, मैं तो बोलता हूँ 365 डेज ये छापे चलने चाहिए, आप जनता के प्रतिनिधि दोनों पे चले, आप जनता की बात कैसे करते हैं, आप पूरी जनता की गारंटी ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, मैं गुलाम हूं क्या? चश्मे से देख रहे हैं और पूरी जनता का पक्ष भी रख रहे हैं, हम किसी पार्टी के, हम जनता के, आप जनता का लिया है क्या जनता का प्रतिनिधि होने का? नहीं, जनता को आप कैसे हो गए हैं, आप कहां से प्रतिनिधि हो गए हैं? एके मिश्रा, आप कहां से जनता के प्रतिनिधि नहीं है, जो पत्रकारिता से जुड़ा है, तो आप राजनेता ठेका, हमने तो देखा है ना, प्रतिनिधि तो राजनेता का हेलीकॉप्टर लेंगे आपकी बीजेपी भाई, हमने आपके, हमने बीजेपी या कांग्रेस या सपा से पूछ लिया है, कभी मांगा तो बताइए, अरे क्यों शामिल हो जाए, कोई कर्जा खाए कांग्रेस बीजेपी सपा का? जब आप हमें सुनता, आप सही बात, हम इस देश के नागरिक है, हम इस देश के नागरिक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस देश के नागरिक है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य और सुविधा है, आप पैदा हुए कि अब आप समाजवादी है। देखिए आप तो यहाँ बैठ गए हैं, तो आप प्लीज विषय पर आए, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं एमपी सिंह आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं जी? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोनों की बातों को तर्क दूंगा, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एके सिंह जी, सबसे बड़ी बात तो मैं अपने पंडित जी की बात को देता हूँ कि कल जो सदन में और जो वेदना इस देश की माँ की, एक नारी की और एक जो महिला की आई, वो वेदना इतिहास के अंदर रहेगी, और उसकी वेदना की करुणा
संसार के अंदर बजेगी बड़ी वेदना, जया बच्चन वेदना की। इस... उनके और भी वीडियो देख लीजिए, उनकी वेदना दिखेगी। मेरे पास 2500 वीडियो है किस तरीके का उनका बिहेवियर, गुस्सा नाक पे रहता है। अपने आप को बड़ा विशिष्ट समझती है, पता नहीं क्या समझती है कि वो इस देश के जन सामान्य कॉमन आदमी को पसंद नहीं आया, बहुत ऊपर समझती है। मिश्रा जी, गुस्सा दिमाग में और तर्क जबान पे होना चाहिए, तो डिबेट होती है, ऐसे नहीं। जया आप बात को काटिए और बात को बोलिए, बात को सुन के करिए। गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, सदन में गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। आप एक्टिंग कर रहे हैं क्या? आप एक्टिंग कर रहे हैं जो कह रहे हैं क्या? आपकी पार्टी जया बच्चन आपकी पार्टी की नेता वो एक्टर है, हमें तो एक्टिंग आती है, जो दिल में है वो जबान पे है। आप अपने लिए सब यही कहते हैं, प्लीज मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज हम विषय से भटक रहे हैं। प्लीज चंद्रमोहन शर्मा, मुझे लगता है कि विषय जया बच्चन नहीं है, बच्चा छापेमारी का, और मेरा सवाल वहीं पे ही आ, जस का तस, जब आप करते थे तो वो जायज था, आज ये कर रहे हैं तो आपको नजायज दिखाई दे रहा है, क्यों? देखिए ना, हम करते थे ना, मैं कहता हूं कि ये करते थे, लेकिन हम जो करते थे वो गलत कहते थे, जो ये करते हैं उसको ये सही कहते हैं, इसका वाद है और इसी का भी वाद है। अभी मिश्रा जी फिर अपनी बात को, चार आदमी अगर कोई बात बोलेंगे, चारों आदमी अपनी बात को सही कहेंगे, गलत कोई नहीं बोल रहा, लेकिन उसकी बात का गलत का फैसला देश की जनता करेगी, देश के लोग करेंगे। जैसे सत्ता परिवर्तन के अंदर 2014 में हुआ और 2014 के बाद 19 में हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है कि बनौती बन गई है भाजपा और भाजपा के अंधभक्तों की कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो 2024 भी है, 2022 का इलेक्शन भी है, वो बता देगा कि कहां गलत था और कहां सही था। अब आता है कि सरकारें प्रयोग करती हैं और सरकारें प्रयोग करके दुरुपयोग भी करती हैं, लेकिन वो लोग जो सत्ता के गलियारे के अंदर विपक्ष की भूमिका में रहे हो और जिन्होंने इस तरह की आवाजें उठाई हो और उनके द्वारा अगर इस तरह के सत्य वचन बोले जाए तो मिश्रा जी भी उस पे वेदना जो है ना सदन पे बन पे निकलती है, क्योंकि 70 साल के इतिहास के अंदर भाजपा कोरी विपक्ष में ही रही है और ब्लेमो का सौदा और नकारात्मकता राजनीतिक और भ्रष्ट राजनीति का सहारा लेकर विपक्ष की भूमिका को चलाई है। तो सत्ता में रहकर अगर ऐसे प्रश्न उठते हैं तो उसका सामना करें। एक सेकंड एनपी सिंह साहब, हरियाणा में हुड्डा के यहाँ छापेमारी, उस मामले में क्या हुआ? कुछ नहीं। रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान, सर सुन लीजिए, पेरिस लंबी है, बता रहा हूं मैं उदाहरण के, मैं क्योंकि गूगल सर्च नहीं करता हूं, जो दिमाग में मुझे याद आया छापेमारी कहां कहां हुई कैसे हुई वो गूगल को प्रणाम करने वाले दूसरे लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूं 2017 आपने अखिलेश यादव को कहा कि लखनऊ एक्सप्रेस वे अंदर जाएंगे बबुआ और बुआ, फिर आपने बिहार में ही यही कांड हुआ, नीतीश साथ में आ गए आपके तेजस्वी को लेकर, क्या हुआ था? फिर इसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर आरोप लगाए, जेल में जाएंगी, इतने घोटाले हुए, क्या हुआ? शून्य। अब इसके साथ जयललिता आय से अधिक संपत्ति का मामला, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव आय से अधिक संपत्ति का मामला, सीबीआई ने बार बार स्टैंड बदल दिए। एनपी सिंह साहब, ये तथ्य गलत है तो बताइए। देखिए, जितना आपने कहा है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी चीज आपके सामने है, जितने छापे लगे हैं वो भी आपके सामने हैं, जितने आरोप प्रत्यारोप लगे हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं दो चीजों पे कहना चाहूंगा, अभी हमारे सम्मानित साथी दुबे जी भी और शर्मा जी भी दोनों कह रहे थे जया बच्चन जी की बात लेकर बैठे हैं, जया बच्चन जी का शराब इनके लिए अच्छा है। एनपी सिंह साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कितनों को अंदर किया, आपने कितनों को अंदर किया? मैं दूंगा, आप मुझे नाम बताइए ना, जवाब दूंगा, आप मुझे सिर्फ नाम बताइए, आपने इन लोगों पे आरोप लगाए, इनमें से कितनों को अंदर किया? जवाब दूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने जया बच्चन जी के शराब को लेकर आए हैं,
उनको तकलीफ हुई है। आजम खान जी, अमर सिंह जी बेटियों के ऊपर तेजाब छींक रहे थे, तेजाब डालकर उनकी हत्या करना चाहते थे, तब इनको कोई बुरा नहीं लगा समाजवादियों को, कांग्रेस वालों को, उनके साथ में उन्होंने। आप मेरे सवाल को गोल कर रहे हैं, या तो आप मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे या समझ कर भी अनजान बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ कि गलत किया तो अंदर डालो ना इनको, इनको बाहर क्यों छोड़ा हुआ आपने? इन्होंने गलत किया, साढ़े चार साल आपकी, आप बताइए आपने कितनों को अंदर किया? आप मुझे सिर्फ नाम दे दीजिए, उदाहरण के तौर पर मुझे तीन नाम दे दीजिए आप। ये काम सरकार नहीं कर रही, ये काम सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। अगर इनके इनको अंदर भेजा जाएगा फिर यही लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अंदर भेज रही है। ये काम सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सरकार बता रहा हूं सर क्या काम कर रही है। सरकार बता रहा हूं सर, कल भी बताया था मैंने, सुनिए सर, सुनिए बताता हूं। एक और उदाहरण देता हूं, एक और उदाहरण देता हूं। अप्रैल में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले अप्रैल में स्टालिन की बेटी और उसके करीबियों के यहाँ छापेमारी। 21 फरवरी ममता बनर्जी के भतीजे के आवास पर छापेमारी, ठीक चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में सितंबर में, सर सुन लीजिए ना, उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र में अजीत पवार के यहाँ छापेमारी हुई, क्योंकि वो सहयोग करेंगे समर्थन देने में या फिर नहीं करेंगे, ये भी गलत बोल रहा हूं, ये भी सब इत्तेफाक है। लेकिन सीबीआई सरकार के अंडर काम करती है, सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई में सरकार के अधीन काम नहीं कर रही है, ईडी का अपना इंटरफेयर नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी अपना काम कर रही है, उसमें किसी का कोई जोर जबरदस्त। चुनाव है वहां पर छापेमारी है कि नहीं? जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी छापेमारी होती है सर, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी छापेमारी, जहाँ चुनाव है वहाँ पर ज्यादा सक्रिय है। और अगर बंगाल में चुनाव हो चुका उसके बाद भी छापेमारी हो रही है, महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका उसके बाद भी छापेमारी हो रही है, सर सब जगह छापेमारी, बताइए ना अपना काम कर रही है। राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने आरोप लगाए जिनके ऊपर आपने, उनमें से नाम दे दीजिए तीन, सर मुझे तीन नाम दे दीजिए कि हमने इसको अंदर किया। महाराष्ट्र में छापेमारी हुई है, महाराष्ट्र में भी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन शिवसेना के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों भी, क्यों हुई छापेमारी? क्यों आपके नेताओं के छापेमारी हो रही है? आपके नेताओं के छापेमारी कर रही है, छापेमारी हो रही है आपके नेताओं के छापेमारी, वही छापेमारी हो रही है आपके नेताओं के छापेमारी हुई क्या? ओके, एक के मिश्रा की बात रखिए, फिर चंद्रमोहन शर्मा आपके पास आ रहा हूँ, फिर दुबे जी आपके पास, और सीधे तौर पर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कितने नेताओं को अंदर किया इस पूरे मसले को लेकर, वो बता दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया, अप्रैल का जिक्र किया, फरवरी का जिक्र किया, सितंबर का जिक्र किया, जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां छापेमारी हुई। एके मिश्रा, ये सब इत्तेफाक है। फिर से सवाल पूछिए, आपकी आवाज कट गई थी। एके मिश्रा, मैं तथ्यों का जिक्र कर रहा था और मेरा सवाल यही था कि क्या वाकई में ये सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है? सब इत्तेफाक, जहां चुनाव वहां पर छापेमारी। नहीं चावला जी, देखिए आपका सवाल बड़ा जेन्यून है और मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस पक्ष विपक्ष इन सबको छोड़िए, एक चीज को तो मैं मानता हूँ, जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है स्पेशली लोकतंत्र में। मेरा कहना यह है, जितना एक्टिव चुनाव के टाइम पे सारे तंत्र होते हैं, अगर वो साल भर उतने एक्टिव रहे और 5 साल तक रहे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याओं का देश से निजात मिल जाए। आपने जो अभी तथ्य दिए कि भैया इतने इतने लोगों के ऊपर केस चला, ये बात भी आपकी बात सही है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। होता यह है कि जो बड़े और रसूखदार लोग हैं उनके ऊपर केस तो चल जाता है, शायद ही वो केस कभी अंजाम पे पहुंचता हो। आप मुझे ये भी उदाहरण बता दीजिए या किसी के पास डाटा हो, जितने बड़े बड़े लोगों के ऊपर केस चले हैं, ठीक है कई लोग पहुंचे हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मैं उसको नहीं मानता हूं। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, जनता को एक लॉलीपॉप देने के लिए, चाहे पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की हो, वो मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं। अगर उनके खिलाफ प्रूफ है तो ढील क्यों दी जाती है? एक सामान्य आदमी के लिए जो न्याय व्यवस्था है, जो पैरामीटर है, वही पैरामीटर बड़े लोगों, न्याय के तराजू में तो सबको बराबर तोला जाता है ना। एक सामान्य आदमी अगर 10,000 रुपए का कैश ले ले तो उससे 50 इंक्वायरी होगी, पकड़ जाएगा कहां से आया कैसे नहीं आया, और बड़े लोग करोड़ों अरबों का खेल करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितनी तत्परता, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे पुलिस
जो दिखाती है, अर्धसैनिक बल जो दिखाते हैं, ईडी वगैरह दिखाते हैं चुनाव के पहले, चाहे उसको आदेश इलेक्शन कमीशन दे या ऐसी कोई मान्यता हो, मजबूरी हो चुनाव के पहले कि ये सब सैनिटाइज करना जरूरी है, उसी पेस उसी मोड पे अगर पांचों साल हर दिन ये करे तो ये सारी समस्याएं ही ना हो। और सारी एजेंसियों की, सरकारों का तो मैं ये बोलता हूँ भाई, निष्पक्ष होकर काम करिए। अगर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहे तो मैं इसको भी बेहतर मानता हूँ, आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हर पांच साल में एक दूसरे की सफाई करते रहिए। उन्होंने जो ब्लैक मनी इकट्ठी की है, जब आपकी सरकार आए तो आप उसको जांच वगैरह करवा के जनता के खाते में डाल दीजिए, जब उनकी फायदा तो जनता का ही होना है। चुनाव का एक फायदा और होता है, मैं आपको बता दूं, कम से कम विकास के कार्य चुनाव के ठीक एक साल दो साल पहले बहुत तेज हो जाते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो फायदे होते हैं। घोषणाओं का जिक्र नहीं कर रहा, मैं घोषणाओं का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन शर्मा जी इस तरह से जो दबाव बनाया जाता है वो दबाव काम में आता कि नहीं आता? मैंने तो देखा एक के बाद एक पेरिस निकाली, पेरिस को दम भी दिखाई दी, जब चुनाव आया तब छापे मारी, जब चुनाव आया तब छापे मारी, बस जगह बदल जा रही थी। देखिए सरकार की मंशा प्रश्न चिन्ह पे आ जाती है तिलक भाई। अब बंगाल में इलेक्शन था, चिटफंड घोटाले वाला आपके पास आ गया, गंगा नाया भाजपा की गंध वाली पवित्र हो गया। महाराष्ट्र के अंदर राणे भाजपा में आते हैं, जब तक भाजपा में नहीं होते तब वो दलगत राजनीति के अंदर प्रश्न चिन्ह होते हैं, जब भाजपा जुनान होते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। ये राजनीति के 2014 के बाद परिवर्तन हुआ है, और जो विषय आपने रखा उस विषय का दुरुपयोग सरकार ने बढ़ चढ़ कर करा है। अगर कहीं पीछे चीज को लेके बात करते हैं, उसका इस्तेमाल सरकार अपने डर के लिए करती है, क्योंकि सरकार के आप घबरा क्यों रहे हैं? सरकार जी आप घबरा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखिए अगर देश का कोई नेता निडरता के साथ मुकाबला कर रहा है इस सरकार का, तो वो राहुल गांधी है, और निडरता के साथ जिसने मुकाबला करा है वो कांग्रेस का मैन है, और एक अकेला ही राहुल गांधी है जिसने इस सरकार के मुखरता के साथ हर प्रश्नों के साथ डटाया और आवाज दी है, वो राहुल गांधी की आवाज है। आज भले ही कोई किसी के ऊपर इंक्वायरी हुई, ये बात तो राहुल गांधी जी पहले भी इस प्रश्न चिन्ह करते रहे इन बातों का, और उसी चीज को आज जब विपक्ष की दूसरों की दुम दबी तो सबने आवाज उठाई। आपके पास आ रहा हूँ, देखिए मैं शर्मा जी की बात से मैं सहमत हूँ। मुझे एक चीज याद आ गई, राहुल गांधी वाकई में निडर है, इसलिए निडर है कि जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए का नोट लेके लाइन में खड़े थे, और एक तस्वीर मैंने देखी थी जिसमें वो अपनी फटी हुई जेब दिखा रहे थे, मुझे वही बात याद आ गई थी। आदमी संत प्रवृत्ति का है तो वो उसको राहुल गांधी निडर नहीं होंगे, तो जिनके ऊपर छापे पड़े हैं, अरबों रखे हुए हैं, वो निडर होंगे। सवाल आपका बड़ा जायज है कि अगर आप दूध के धुले हैं तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ईडी क्या वो 10 बार छापे मारे हमारे यहाँ आके, रोज छापा मारी है सर, हमें कोई डर नहीं है। शर्मा जी देखिए सवाल डर या उसका नहीं है, सवाल सरकार की नियत और मंशा का है। जो सरकार करे वो ठीक और जो विपक्ष करे वो गलत, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन चीजों को प्रश्न चिन्ह का जवाब नहीं सरकार क्यों नहीं सदन में बनाती? बनाए तो निष्पक्ष जवाब आएगा। आपको बताता हूं इस विषय को अगर हम नियत और मंशा किसी भी सरकार की कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक का ब्लैक मनी अगर कहीं पकड़ा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कांग्रेस भी करे सपा भी करे, फायदा इसमें पब्लिक का। अरे मिश्रा जी कितना ब्लैक मनी आई है अब तक 2014 के बाद, कितना पैसा दिया है इस सरकार ने लाके 15 लाख के बाद? अगर आज आंकड़ा देखोगे ब्लैक मनी का तो 35 लाख चला जाता है, जितना ब्लैक मनी का आपने बात करते हो उसका डबल जाके जमा हो गया है, और जिस ब्लैक मनी की आप बात करते हो नोटबंदी की उसका सर आज तक आपका जा रहा है, तो फिर 2014 के बाद परिवर्तन क्या हुआ सरकार का? हर बात को काट कर अपनी तर्क को कहना कि मैं सही बोल रहा हूँ वो जायज नहीं है। एलपी सिंह साहब एक सेकंड थोड़ा लीक से के सवाल है, एक मिनट सिंह साहब, अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ दिखाई दी आपको, देख रहे हैं आप? देखिए अखिलेश यादव की रैलियों में ही भीड़ नहीं है, भीड़ तो सभी की रैलियों में आती है। अखिलेश सभी की रैली जुमला बोल देते हैं लोगों को, इसी बातें बता जुमला बोलिए सर, बात कर रहा हूँ देखिए जुमला बोल रहे हैं, शर्मा जी भी मुस्कुरा गए, दुबे जी भी मुस्कुरा गए। टेलीफोन करके कहा कि मैं आपके साथ हूँ, 5 साल पहले जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब क्यों नहीं समस्याओं का समाधान किया उन्होंने? आज नोएडा के किसानों के साथ खड़े हैं, तब वो किसानों पर लाठियां चलवा रहे थे, आज किसानों पर कहते हम आपके साथ हैं, आप समझ सकते हैं कि वो कितना गुमराह कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से लोगों को बहका के गुमराह करके भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं?
किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, डराके भीड़ इकट्ठी होती है जी? डराके भीड़ इकट्ठी होती है? भीड़ डरा के भी इकट्ठी होती है, लालच से भी भीड़ इकट्ठी होती है, बुलाए जाते हैं। किस तरह से लोगों को गुमराह करके हो रही है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। कहते हैं किसानों अच्छा। के साथ हैं, किसानों की एक समस्या का आपकी वाली भीड़ असली भीड़ होती है सर। समाजवादी ने किया हो तो बता दें कौन सी समस्या का समाधान हुआ है पिछले 15 सालों से। नोएडा नोएडा के किसान सिंह साहब, लेकिन कोई समस्या का इतना गुस्सा क्यों हो गए आप सिंह साहब? गुमराह कर रहे हैं सिंह साहब। सिंह साहब आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? तमाम इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो तो सिर्फ दिखाते ना योगी जी मोदी जी की रैली। मैंने तो आपसे पूछ लिया, मैंने कहा शायद आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होगी कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, आप इतना नाराज हो गए। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा। नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने सच्चाई बताई है कि अखिलेश जी लोगों मैं को बोलूंगा जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं। अच्छा, ये सारे गुमराह किए हुए लोग हैं जो हो रहे हैं, ये भीड़ इकट्ठी हो रही है सारे गुमराह की जनता को गुमराह करते हैं। मैंने तो बता दिया किस तरह से गुमराह कर रहे हैं किसानों को, पांच किसानों को। अच्छा, ये भीड़ आपकी टेंशन बढ़ा रही है जो छापेमारी हो रही है, ये भीड़ क्या वाकई टेंशन बढ़ा रही है? नहीं, भीड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भीड़ तो सब जगह कोई लेना है, भीड़ को जाना चाहिए, भीड़ तो सब जगह जाती है, हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा अच्छा, भीड़ से चिंता नहीं है आपको, भीड़ टेंशन नहीं बढ़ा, हमें कोई चिंता नहीं, मतलब भीड़ से छापेमारी का कोई लेना देना नहीं, भीड़ से छापेमारी का कोई लेना देना नहीं है जी। ओके, राघवेंद्र दुबे ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं मान गया भीड़ तो आ रही है, लेकिन भीड़ से हम लोग डरने वाले नहीं है, भीड़ तो इकट्ठी कर ली जाती है, कोई पैसा देकर, कोई लालच देकर, डरा कर, धमका कर। देखते हैं आप प्रधानमंत्री जी की रैली में कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। सिंह साहब सही कहा ना मैंने? नहीं, छापेमारी की बात बोलिए आप दुबे जी, कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, छापेमारी उसी से जोड़ के बता रहा हूँ सर। चावला जी सबको देखो घुमा फिरा के वहीं ले आते हैं। चावला जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि इनको कह रहे भीड़ से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये मान चुके हैं कि अब जनता इनके काबू में आने वाली नहीं है। जनता तो ने मन बना लिया कि अब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अब ये नोएडा की बात कर रहे थे, नोएडा में जहाँ रह रहे हैं सिंह साहब, उसके बगल में ही सिल्फाट बनाने का अखिलेश यादव ने काम किया, एलिवेटेड रोड बनाए, अंडर पास बनाए, जहाँ ये रह रहे हैं बता रहा हूँ मैं, और मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, नोएडा स्टेडियम बनाया, स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम बना दिया, क्या काम नहीं किया, बता रहे हैं ना, अस्पताल बनाया, जी वो तो बता रहे हैं नोएडा में क्या मैं, और जहाँ तक बात है बता रहे प्रधानमंत्री, मेरा ये कहना है, मेरा चावला जी ये कहना है जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो ये कह रहे थे कि भीड़ कैसे ला रहे हैं, हमारी सरकार भी नहीं, हम तो विपक्ष में, इनकी सरकार है, अब आप समझ सकते हो। और ये बात सही भी है कि इन्होंने जो राशन डीलर जो राशन बांट रहे हैं उनको बाकायदा निर्देश दिया गया था कि आप ये गाड़ी भर के ले आएंगे, आप ये बस भर के ले आएंगे, सभी लोगों को लाइन पर अधिकारियों को लिया गया था, बस है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आदेश जारी होते थे। हमारे यहाँ कोई राशन डीलर कोई इस तरीके से कोई नहीं जाता, राशन डीलर छोड़ दिया था, बिना संसाधन के हम लोगों के भीड़ कितनी हो रही है, वो मर रहा उसी को देखा तो परेशान, इसलिए छापे पड़ रहे हैं, छापे तो इसीलिए पड़ रहे हैं, वही तो इनके टेंशन बढ़ रहा है। अखिलेश यादव की भीड़ से घबरा गई क्या बीजेपी? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखें तो डेफिनेटली प्रेशर तो माना जाएगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यूपी का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि अब की बार चुनौतियां बीजेपी के लिए डिफरेंट है, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में भी चुनौतियां डिफरेंट है, इंटरनल फैक्टर भी है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, और विपक्ष के लिए ये एक बड़ा स्वर्णिम मौका है। मैं तो देखिए सभी को अग्रिम बधाई देता हूं, पक्ष विपक्ष को, कि आप लोग बेहतर करें और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें, और डेफिनेटली मैं इस चीज को मानने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखना यह है कि पक्ष और विपक्ष जितनी पार्टियां हैं वो इस चुनाव को मैनेज कैसे करती हैं, आर्ट ऑफ पोलिंग दिखेगा। हमारे निगाह से अगर देखा जाए तो मुझे ये देखने के लिए, मैंने कल भी ये आंकड़े दिए थे, एके मिश्रा मैं बता देता हूँ कैसे मैनेज होता है, बताइए। मैं देख रहा था 2012 में चुनाव में अखिलेश यादव ने जो खर्च किया था 2012 में अंतिम दौर में जब चुनाव में 85 करोड़ रुपए, और योगी जी आखिरी महीने में चुनाव प्रचार में 160 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, 160 करोड़। और सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री
2014 से 2019 तक 5,949 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया प्रचार के। देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे अगर क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं मेरा तात्पर्य ये नहीं था चावला, एक के मिश्रा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ क्या वाकई में जो भीड़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि सिंह साहब खुद मांग रहे हैं सत्ता में रहकर कि हाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, हम भी मानते हैं, तो क्या ये भीड़ के जो नजरिए से तस्वीर देखी जा रही है ये छापेमारी उससे जुड़ा हुआ हिस्सा तो नहीं है? नहीं, भीड़ के नजरिए से अनंतिम फाइनल तस्वीर नहीं देखी जानी चाहिए, उसके पीछे कारण है मॉब का पॉलिटिकल बिहेवियर, क्राउड का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो कुछ अलग होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो मान लीजिए कोई भी बड़ा मंत्री विधायक आता था तो हम क्यूरियोसिटी के लिए भी चले जाते थे, एक जिले में अगर रैली हुई तो उस जिले में जो वोटर हैं वो तो बहुत कम पहुंचते हैं, 25 और डिस्ट्रिक्ट के आ जाएंगे जबकि वो उस डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग नहीं देंगे। अखिलेश यादव को देखने नहीं, आप नहीं चावला जी, आप इस चीज देखिए, ये यहाँ पे पक्ष विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के भी जो नेता है उनका भी अपना एक कद है, छोटा हो या बड़ा हो, कंपैरेटिवली कम हो या ज्यादा हो, आप ये मत बोलिए। एक करिश्मा तो 2017 और 2019 का चुनाव देखिए ना फिर। हाँ तो मैंने तो पहले ही बोला ना कि भीड़ के हिसाब से, चावला जी मैं क्राउड का जो है उसका बिहेवियर बता रहा हूँ, क्राउड होना एक अलग चीज है और वो क्राउड वोट में ट्रांसफॉर्म हो ये एक अलग आर्ट होता है, आर्ट ऑफ पोलिंग जो है, आर्ट ऑफ लिविंग की तरह एक आर्ट ऑफ पोलिंग होता है। चुनौती यही सबसे बड़ी है, मैं बोलता हूँ मैं सब जगह भीड़ हो, मैं तो बोलता हूँ जबरदस्त भीड़ होनी चाहिए, लेकिन आर्ट ऑफ पोलिंग किसके पास है ये देखना है। देखिए आज तिलक भाई, आज मुद्दे वो हैं जो 2014 के अंदर भाजपा और भाजपा के अलायंस पार्टियों ने उठाए थे, आज 7.5 साल गुजर जाने के बाद सत्ता का परिवर्तन के अंदर क्या हुआ, और ठीक यूपी के सूबे के अंदर जो 2017 के इलेक्शन के बाद जो 22 का इलेक्शन खड़ा हुआ उसके अंदर मुद्दों का क्या हुआ, कहां है बेरोजगारी, कहां है महंगाई, कहां है डेवलपमेंट? आज देखने के लिए जाते हैं वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं प्रियंका गांधी को, वोट नहीं डालते। ये दृष्टिकोण ए के मिश्रा जी का है, आज सूबे की जनता परिवर्तन की लहर के ऊपर बह चुकी है, क्योंकि आंधियां जब धूल लेके आती हैं वो विषय चिंता का नहीं होता है, लेकिन आंधियों की रैली जब नारे लेके आती है तो सत्ता के गलियारे हिला देती है। आज नारे वही हैं जो 2014 के अंदर भाजपा की रैली में उठते थे, आज की रैलियों के नारे विपक्ष के वही हैं जो 2014 के बाद की सत्ता के गलियारे हिलाने जा रही है। शर्मा जी ये तस्वीर वो भी है, एक तस्वीर और भी वायरल हो रही है, राघवेंद्र दुबे जी नाराज हो जाएंगे, वो वाली तस्वीर देखी भागवत जी के साथ मुलायम जी, तो वो तो उसमें शादी में आए थे, उसमें क्या है दुबे जी, आप नाराज क्यों हो रहे, पूछ रहा हूं शर्मा जी, नाराज नहीं हो रहे, ये तो शादी में आप बताने लगे शादी में आए थे, शादी में तो सभी जाते हैं, तस्वीर अच्छी लगी तो मैं पूछ लिया उनसे, शर्मा जी को अच्छी लगी क्या, ट्विटर पे लिख दिया शर्मा जी, तस्वीर अच्छी लगी कि नहीं, एक सेकंड देखिए ना शर्मा जी, भागवत जी के साथ मिलाया संघ और सपा का जो सा है उसका जवाब तो राघवेंद्र जी खुद ही देंगे, क्योंकि उनको देना भी चाहिए, क्योंकि आज जो विषय राजनीति के अंदर आया है तो उसका तो जवाब अखिलेश जी को और सपा को देना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, इसको राघवेंद्र जी को भी देना चाहिए। आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, आप भागवत जी के साथ तस्वीर देख ली आपने मुलायम जी, आपको पीड़ा हो रही है सोनिया गांधी जी के साथ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी से मैं मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहते थे, तो इसलिए ये प्रश्न के पास जवाब देना राघवेंद्र जी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके मुखिया को भी देना चाहिए। घर वापसी हो गई है, आरएसएस ने घर वापसी का कैंपेन चलाया, उसमें मुलायम सिंह यादव की घर वापसी हो गई है, अब वो संत मुलायम सिंह बन गए हैं, मुल्ला मुलायम सिंह। चावला जी इसलिए तो कहता हूँ शर्मा जी बहुत आतुर रहते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, इसी तो मैंने कहा विश्लेषक की जगह अगर बीजेपी का ही बिल्ला लगा ले तो ज्यादा बात सनातन की हो रही है, बीजेपी की थोड़ी हो रही है बात, सनातन की हो रही है मुल्ला। फाइनल कमेंट लूंगा चावला जी आपसे जी, चावला जी पूरी डिबेट हुई लेकिन इन्होंने मतलब हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने मिश्रा जी ने ये नहीं कहा कि जो छापेमारी हुई करे वो तो रोज होनी चाहिए, अरे रोज होनी चाहिए, आपने ये टाइमिंग गलत है, जहाँ भी चुनाव हुए राज्यसभा चुनाव आपको है
अहमद पटेल के पास भी जब अहमद पटेल ने राज्यसभा चुनाव लड़ा तब भी यही हुए, जहाँ सरकार बनानी होते वहाँ भी ऐसे शुरू हो जाता है। सरकार की सरकार कोई भी हो, मेरा ये कहना है कि नहीं नहीं ये गलत प्रक्रिया है, गलत 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 परंपरा है। आप बता दीजिए चुनाव करे क्या योगी जी सदन में क्यों रोए फिर योगी जी को कैसे प्रताड़ित किया गया? आप मुझे बताइए, 1000 रुपए के लिए आपने गलत ढंग से सब काम किया, केवल डिस्टर्ब किया आपने अखिलेश के करीबियों से, तो सही है ये करते हैं तो गलत है। ओके मैं मान गया आपकी बात। एनपी सिंह साहब आप जल्दी से बता दीजिए सर, चलिए आईटी इनकम टैक्स विभाग तो आ गया, आयकर विभाग तो आ गया, लेकिन अब ईडी और सीबीआई कब आ रही है, कब तक उम्मीद करें? ये तो वही बताएंगे, इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं, वो अपना पास पिक्चर है, अभी बाकी है, सीबीआई को अपना काम करना नहीं, नहीं, पिक्चर बाकी नहीं है। अच्छा ईडी और सीबीआई आएगी काम करता है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ हाँ सर, उनका वो सरकार अच्छा ईडी जाएंगे आपका राजनीतिक जैसे क्या कहते हैं, जैसे जैसे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे पिक्चर के रोल और बढ़ेंगे। विपक्ष की ताकत, विपक्ष की ताकत काम कर रहा है, मतलब आप मान रहे हैं अखिलेश यादव आने वाले, चंद्रमोहन शर्मा अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं आ सकते कभी। देखिए विपक्ष के अंदर प्रियंका गांधी की आवाज यूपी के अंदर बहुत प्रचंडता से बढ़ रही है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और आज यूपी की सुबह की जनता कांग्रेस के उस सुशासन को याद कर रही है जो तीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी और विद्याचरण शुक्ल के थ्रू मिले थे। छोड़कर चले गए आपके, वही नहीं संभल पाए आपसे। कल भी मैंने एक उदाहरण दिया राजस्थान आपका, पंजाब में हरिंदर सिंह जी चले गए, आप समझ नहीं देते। उत्तर प्रदेश के उदाहरण देते, उत्तर प्रदेश, हेलो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आगे भी बनेगी, अभी भी है योगी जी बहुत मजबूती के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जाने वाली है, प्रधानमंत्री जी इन्होंने पैदल तो कर दिया था, देखा ना आपने, पैदल पैदल जा रहे हैं। आप हमारे सम्मानित भाई हैं, आप बिल्कुल सच्चाई को मत नकारिए। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से योगी जी को मोदी जी ने पैदल पैदल बेचारे चल रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ गए, उनको किसी ने बैठा ला तक नहीं, तो इन्होंने तो चुनाव से पहले ही उनको पैदल कर दिया। सवाल पूछ लो, सवाल पूछ लो, वक्त कम, वक्त कम है, एक सेकंड, सवाल नहीं है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। जब आप लोग विपक्ष में थे उत्तर प्रदेश में, तीन अधिकारी आपके चहीते हुआ, चहीते मतलब आपका दिल बहुत पसीज जाता था क्योंकि सरकार के खिलाफ वो पूछ गया और आज उनके ऊपर मुकदमे हैं आपकी सरकार। तीन अधिकारी जो आपको अच्छे लगते थे आज वो संघर्ष कर, पहला नाम सूर्य प्रताप, सात मुकदमे दर्ज, तो सुन लीजिए बता रहा हूं, सात मुकदमे, अमिताभ ठाकुर जेल में, दुर्गा शक्ति नागपाल सस्पेंड कराने वाले आप बीजेपी, ये कई उदाहरण है सर, कई उदाहरण है। मैं जानता हूं ये वहां पर जहां पर जहां 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 एजेंडे तय किए जाते हैं, जहां एजेंडे तय किए जाते हैं और 55 कैमरे प्रधानमंत्री को कैद करते हैं, वहां ये सवाल नहीं पूछे जाते, मैं जानता हूँ। नहीं तिलक जी मैं आपको बता दूं, दुर्गा शक्ति नागपाल की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, सर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपके चहीते, आपके चहीते पसीता था दिल आपका जब आप विपक्ष में होते थे, आप आए तो उनके ऊपर मुकदमे हो गए। देखिए जहाँ गलती होगी तो मुझे भी सजा मिलेगी, गलती होगी तो कोई भी सजा भुगत होगी। अब सजा अब यहाँ पर सजा मिल जाए, कमाल है, दोनों तरफ से थैंक यू सो मच लिया गया, थैंक यू सो मच लिया गया, अगर गलती हुई होगी। एनपी सिंह साहब, एनपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राघवेंद्र दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मसला सीधे तौर पर सियासत के नजरिए से खड़े हुए उन सवालों का है जिसमें विपक्ष के आरोप है और सरकार पर तोहमत है, लेकिन हकीकत यही है कि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कई ऐसे किस्से मिल जाएंगे जहां पर इस तरह से
सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, तो क्या आज भी वो दुरुपयोग हो रहा है? चुनाव नजदीक है तो क्या मोदी सरकार अब इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही? जो इल्जाम आरोप सीधे तौर पर विपक्ष लगा रहा है। फिलहाल मुद्दा आपका में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।